नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। सोमवार का दिन है, हफ्ते की शुरुआत हुई है। उम्मीद करती हूं कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा बीते। आज के एजेंडा में आज हम बात करने वाले हैं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में। साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के डर ने दुनिया में एक बार फिर दहशत पैदा कर दी है। भारत में भी इसे लेकर सनसनी मच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शनिवार को कोरोना पर एक हाई लेवल मीटिंग की, तो राज्य की सरकारें भी इसे लेकर अलर्ट मोड में आ गई हैं। नए वेरिएंट को लेकर दिल्ली सरकार ने विशेषज्ञों से सुझाव मांगा है। ओमिक्रॉन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है। ओमिक्रॉन में 30 से ज़्यादा म्यूटेशन मिले हैं, जबकि डेल्टा वेरिएंट में करीब 15 म्यूटेशन मिले थे। इसीलिए ये डेल्टा से बहुत ज़्यादा संक्रामक है। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाला है। इस पर हम चर्चा भी करेंगे। दो एक्सपर्ट्स मेरे साथ आज के एजेंडा में जुड़ने वाले हैं, उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। डॉक्टर DK गुप्ता, CMD फेलिक्स हॉस्पिटल से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही डॉक्टर अकार कपूर, डायरेक्टर सिटी एक्सरे। आप दोनों का बहुत स्वागत है आज का एजेंडा में। इनसे भी आगे हम चर्चा करेंगे, तमाम जानकारी लेंगे, क्योंकि इस वेरिएंट के बारे में बहुत से लोग बहुत कुछ जानना समझना चाहते हैं। ये एक नया वेरिएंट सामने आया है जिसको लेकर पूरी दुनिया में दहशत फैली हुई है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डेटा भी इस वक्त उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स समेत दूसरे जिम्मेदार लोगों को मिलकर इससे बचने की प्लानिंग बना लेनी चाहिए। मसलन वेरिएंट से जुड़ रहे देशों से तत्काल प्रभाव से यात्रियों की आवाजाही बंद कर देनी चाहिए, यानी 15 दिसंबर से शुरू होने जा रही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर फिर से विचार करना होगा। तो कितना खतरनाक है ओमिक्रॉन वेरिएंट, इसी से जुड़ी कुछ जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए पहले दे देते हैं। अब तक का सबसे तेज फैलने वाला वेरिएंट इसे माना जा रहा है। डेल्टा वेरिएंट से 7 गुना ज्यादा यह तेजी से फैलता है। याद कीजिए, जब डेल्टा वेरिएंट के बारे में जानकारी मिली थी तब किस तरह से एक तरह से दहशत फैल गई थी, लेकिन अब ये जो नया वेरिएंट आया है इसे और भी ज़्यादा संक्रामक माना जा रहा है। पकड़ में आने से पहले 32 म्यूटेशन इसके हो चुके हैं। हवा के जरिए फैलने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। और हाई रिस्क वाले देश कौन कौन से हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। वैसे तो माना जा रहा है कि ये वेरिएंट की पहचान सबसे पहले साउथ अफ्रीका में हुई थी, लेकिन ये दुनिया के अलग देशों में भी पहुंच चुका है, जो कि है मॉरिशियस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इसराइल। नए वेरियंट के लिहाज से ये तमाम देश हाई रिस्क में माने जा रहे हैं। और इंडिया की क्या तैयारियां हैं, भारत कितना तैयार है इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। किस तरह से दुनिया दहल चुकी है और भारत में भी इसकी दस्तक आ चुकी है। राजस्थान 100% वैक्सीनेशन पर जोर दे रहा है इससे निपटने के लिए। बूस्टर डोज की केंद्र से मांग राजस्थान में की जा रही है। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो वहां पर एहतियाती चारों हवाई अड्डों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। हवाई अड्डों पर स्पेशल अफसर्स की तैनाती की गई है। भारत कितना सतर्क है, ये आप इन ग्राफिक्स के जरिए जो जानकारी आपको दे रहे हैं इसको देखकर आप समझ पाएंगे। महाराष्ट्र में भी RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका से आए तो क्वारंटीन आपको होना पड़ेगा, आइसोलेशन में जाना पड़ेगा। कोविड रूल तोड़े तो 10,000 का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली भी DDMA एक्शन प्लान बना रहा है। उड़ानों पर रोक की गुजारिश मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल एक बार फिर की थी। ट्वीट कर भी और चिट्ठी लिखकर भी उन्होंने अपनी मांगें रखी थी। 29 को LG के साथ मीटिंग भी आयोजित की गई है। एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट को कर्नाटक में अनिवार्य कर दिया गया है। पॉजिटिव मिले तो क्वारंटीन, ये हम आपको बता रहे हैं कि कर्नाटक में एहतियाती क्या कदम उठाए गए हैं। सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं, क्योंकि साउथ में स्थिति काफ़ी भयावह थी कोरोना के मद्देनज़र। केरल की अगर बात की जाए तो केरल में भी RT-PCR टेस्ट ज़रूरी कर दिया गया है। गुजरात में भी RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। तो भारत पूरी तरह से तैयार है, और राज्यों में किस तरह के अलर्ट जारी किए गए हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। एक्सपर्ट्स के पास भी चलेंगे, क्योंकि वही हमें समझा सकते हैं कि आखिर ये वेरिएंट कितना खतरनाक है और हमें किस तरह के प्रिकॉशंस लेने होंगे। कोरोना का नया वेरिएंट दुनिया पर संकट बनकर आ गया है। सभी राज्यों को अलर्ट पे कर दिया गया है। वीज़ा और देश में आने वाले नियमों में सख्ती को अनिवार्य कर दिया है। सभी राज्यों को अलर्ट पर रखा है। बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच भी की जा रही है। और चलिए अब अपने एक्सपर्ट्स का हम रुख कर लेते हैं। दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं।
दोनों का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर डीके गुप्ता, डॉक्टर आकार कपूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज के एजेंडा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर डीके गुप्ता, आपके पास आते हुए, ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डेटा अब तक उपलब्ध नहीं हो पाया है और शोधकर्ता अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका व्यवहार किस तरह का है। क्या कुछ जानकारी आप इसके बारे में दर्शकों को दे सकते हैं? ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसका जो पता लगा था कि 9 तारीख को 9 जी डॉक्टर डीके गुप्ता की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार हम उसको फिक्स करके दोबारा उनके पास जाएंगे। तब तक डॉक्टर आकार कपूर से हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर आकार कपूर, इसके इस वेरिएंट के सटीक व्यवहार के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और जिस तरह से ये बात भी सामने आ रही है कि ये ज़्यादा संक्रामक है, तो ये कितना खतरनाक डेल्टा वेरियंट के मुकाबले? डॉक्टर आकार कपूर, मेरा सवाल आपसे। आप मुझे सुन पा रहे हैं डॉक्टर आकार कपूर? मुझे लग रहा है मेरी आवाज़ डॉक्टर आकार कपूर तक भी नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर डीके गुप्ता, आप अगर हो सके तो एक बार अपना ऑडियो फिक्स करने की कोशिश कीजिए अपने एंड से, हम भी यहाँ से कोशिश कर रहे हैं। क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है सर? डॉक्टर डीके गुप्ता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लग रहा है कनेक्शन टूट गया है। डॉक्टर आकार कपूर के पास भी हम चलेंगे, तब तक जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है उसको हम फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल, ये जो नया वेरिएंट है इसके बारे में चर्चा इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि कोरोना जब से दुनिया में आया है उसके बाद से लगातार हमने देखा कि इसके नए नए वेरिएंट सामने आए, अल्फा आया, बीटा, गामा, उसके बाद डेल्टा वेरिएंट आया और अब ये नया ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया में दस्तक दे चुका है और तमाम देश इससे प्रभावित हो रहे हैं और भारत भी इससे निपटने की पूरी तैयारी कर रहा है। जिस तरह से जब दूसरी लहर आई थी, सिर्फ दिल्ली राजधानी ही नहीं बल्कि देश के जो तमाम हिस्से हैं वहाँ पर उसका असर देखने को मिला था। किस तरह से लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई, खतरनाक दूसरी लहर आई थी और अब तीसरी लहर कहीं दस्तक ना दे दे क्योंकि ओमिक्रॉन जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसको लेकर शोधकर्ता बहुत बार चेता भी चुके हैं और लगातार तमाम देशों से ये अपील कर रहे हैं कि प्रिकॉशंस जो हैं, कोरोना प्रोटोकॉल जो है उसको फॉलो किया जाए क्योंकि थोड़ी ढील तो देखने को मिल रही थी। हालांकि वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है देश में वो अच्छी गति से चल रही है लेकिन अब और जोर दिया जा रहा है ताकि 100% वैक्सीनेशन पूरी तरह से कर लिया जाए। ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं, अलग अलग देशों से सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से हमारे मेहमानों का रुख करते हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता सीएमडी फेलिक्स हॉस्पिटल से मेरे साथ जुड़ गए हैं और डॉक्टर आकार कपूर डायरेक्टर सिटी एक्सरे। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है डॉक्टर आकार कपूर? डॉक्टर डीके गुप्ता, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ब्रेक करके आ रही है, क्लियर आवाज नहीं आ रही है। तो मैं बता रहा था आपको कि साउथ अफ्रीका में एक पेशेंट था जो एड्स से ग्रसित था, एचआईवी पेशेंट था, उसमें 9 तारीख को सैंपल लिया गया, उसकी 24 तारीख को डॉक्टर डीके गुप्ता से एक बार फिर से हमें संपर्क करने की कोशिश करनी होगी। जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज बहुत ब्रेक होकर आ रही है, क्या आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक है? आप एक बार चेक कर लीजिए। ऑडियो में बहुत ग्लिच आ रहा है सर आपकी। एक बार फिर से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मेहमानों के साथ हमारा संपर्क हो सके। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है और देखिए तब तक हम आपको ग्राफिक्स के ज़रिए जो ज़रूरी जानकारी है इससे जुड़ी हुई वो आपको हम दे रहे हैं।
ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो कितना खतरनाक है ये समझना आपको होगा। ये पकड़ में आने से पहले 32 म्यूटेशन इसके हो चुके हैं, हवा के जरिए फैलने का अंदेशा है। इसलिए लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मास्क आप अभी भी लगा के रखिए और N95 मास्क सबसे ज़्यादा कारगर है। हो सके तो आप डबल मास्क लगाएं। 15 दिन पहले सिर्फ 1% इसके केसेस देखने को मिल रहे थे और अब तक का सबसे तेज फैलने वाला ये वेरिएंट है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने दुनिया भर के देशों के लिए चिंता बढ़ा दी है और कई देशों ने नए वेरिएंट से जो है उसको लेकर तैयारियां करने की भी अब पूरी जो कोशिशें हैं वो WHO की तरफ से भी निर्देश दे दिए गए हैं और WHO ने भी इसे जो है कंसर्न की श्रेणी में डाला है कि जो नया वेरिएंट आया है ये कंसर्न वाले कैटेगरी में आता है, जिसका मतलब ये कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है। ओमिक्रॉन के खिलाफ राज्यों की कितनी तैयारी है वो भी हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। दिल्ली, गुजरात और मुंबई में भी इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। DDMA को बचाव की रणनीति बनाने के निर्देश दिए गए हैं। गुजरात में प्रभावित देशों से जो भी लोग आ रहे हैं उनका RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। मुंबई में दक्षिण अफ्रीका से आने वालों को क्वारंटीन करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि जो सबसे पहले मामले थे वो दक्षिण अफ्रीका से ही सामने आए थे और दक्षिण अफ्रीका को लेकर ट्रैवल एडवाइजरीज तमाम देशों ने जारी कर दी है। और डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स समेत दूसरे जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उन सबको मिलकर इससे बचने की प्लानिंग करनी होगी। वेरिएंट से जूझ रहे देशों से तत्काल प्रभाव से यात्रियों की आवाजाही बंद कर देनी चाहिए, यानी 15 दिसंबर से शुरू होने जा रही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर फिर से विचार करना होगा। और साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस नए वेरिएंट को लेकर समीक्षा बैठक कर चुके हैं। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की थी और उन्हें ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि जो भी जरूरी कदम हो उसे पूरा किया जाए और साथ ही वैक्सीनेशन की रफ्तार को और तेज किया जाए। जो लोग डबल डोज लगा चुके हैं वो लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अब देश में बूस्टर डोज की जरूरत है? क्या अब जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं उन्हें बूस्टर डोज देनी होगी और जिन लोगों को सिर्फ एक ही डोज लगा है, किस तरह से वैक्सीनेशन की गति में रफ्तार लाई जाए ताकि जो पूरी पॉपुलेशन है इंडिया की, जो पूरी आबादी है, वो फुली वैक्सीनेट हो सके ताकि जो खतरा है इस वेरिएंट का वो कम हो सके। लेकिन सवाल ये भी है कि जो वैक्सीन लगाई जा रही हैं वो इस नए वेरिएंट पर कितनी कारगर है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस दुनिया भर में अलग अलग देशों से सामने आए हैं, जो हम आपको मैप के जरिए भी दिखा रहे हैं। एक बार फिर से कोशिश करते हैं, हमारे मेहमानों का रुख करते हैं। डॉक्टर DK गुप्ता, डॉक्टर आकार कपूर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप सर जवाब दीजिए। डॉक्टर DK गुप्ता, तो हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और एक्सपर्ट्स से हमारी यही जानने की कोशिश थी कि इस नए खतरे से कैसे निपटा जाए, क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है इसे खतरनाक माना जा रहा है। WHO ने भी चेताया है कि ये खतरनाक श्रेणी में है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसे घोषित किया जा चुका है। साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के डर ने दुनिया भर में एक बार फिर से दहशत पैदा कर दी है। भारत में भी इसे लेकर सनसनी मच गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शनिवार को कोरोना पर एक हाई लेवल मीटिंग की थी। राज्य की सरकारें भी इसे लेकर अलर्ट मोड में आ गई हैं और नए वेरिएंट को लेकर दिल्ली सरकार ने विशेषज्ञों से सुझाव मांगा है। ओमिक्रॉन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक है। कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर इस बात का आग्रह किया था कि जो भी फ्लाइट्स आ रही हैं विदेशों से उन पर या तो रोक लगाई जाए या फिर कड़े कदम उठाए जाए। जितने भी लोग विदेश से आ रहे हैं, खासकर हाई रिस्क देशों से आ रहे हैं, उनकी जांच की जा रही है, सघन जांच की जा रही है। RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है और अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई जाती है तो भी आपको क्वारंटीन में जाना होगा, और अगर नहीं भी हो रहा है लेकिन फिर भी अगर आप इन हाई रिस्क देशों से आ रहे हैं तब भी आइसोलेशन अनिवार्य है। डॉक्टर आकार कपूर का एक बार फिर से रुक करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर आकार कपूर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? नमस्कार सर, बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं कि संपर्क आपसे साधा जा सके। आपको मेरी आवाज आ रही है सर अब बिल्कुल क्लियर? जी बिल्कुल, बिल्कुल क्लियर आ रही है। चलिए तो डॉक्टर, आपसे जो मैं सवाल पूछ रही थी ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा अब तक इसके बारे में उपलब्ध नहीं है और इसके सटीक व्यवहार के बारे में भी शोधकर्ता अभी रिसर्च कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि
ये जो वेरिएंट है डेल्टा वेरिएंट से बहुत ज्यादा खतरनाक है और बहुत अलग है क्या? मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक इस विशेष इस टॉपिक पे हमारे पास बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, बट अभी तक जो इनिशियल इंफॉर्मेशन आ रही है दक्षिण अफ्रीका से वो ये है कि ये वायरस, ये नया म्यूटेंट वायरस जो कि ओमिक्रॉन है B.1.1.529, ये बहुत ही ज्यादा 5 से 6 गुना ज्यादा फैल सकता है, ज्यादा तेजी से फैलता है। बट हमें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि ज़्यादा इसकी जो सिम्टम्स हैं वो बहुत माइल्ड किस्म के सिम्टम्स हैं। इसमें शरीर में दर्द, कमजोरी, वीकनेस, एड़ियों में दर्द और खांसी जैसे लक्षण आते हैं। अभी तक कोई भी केस जो डायग्नोस हुआ है अभी तक हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ है, तो हमें पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बट हमें बिल्कुल सतर्क रहना है इसको लेके, क्योंकि इसके फैलने की इसका जो फैलना है वो ज़्यादा है दूसरे म्यूटेंट से, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। जी डॉक्टर, एक और सवाल मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जिन लोगों की भी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है उन्हें जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है, आप आम भाषा में हमारे व्यूअर्स को समझा सकते हैं कि इसका मकसद क्या होता है सर? जीनोम सीक्वेंस में क्या होता है कि हम वायरस को डिटेल में स्टडी किया जाता है जीनोम सीक्वेंसिंग लैब्स में, एंड हम उनके अंदर की एक एक जीन को, एक एक जीन में हुए हुए म्यूटेशन को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। जब तक हम उसको स्टडी नहीं करेंगे हमें समझ नहीं आएगी कि किस प्रकार की म्यूटेशन चल रही हैं वायरस में, कि वायरस किस तरीके से इफेक्ट कर सकता है इंसान में। तो हमें वायरस को डिटेल में स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत फास्ट म्यूटेट कर रहा है और हमने देखा है कि डेल्टा वेरिएंट जो था कितना घातक रहा है ह्यूमन रेस के लिए, और कितनी ऑक्सीजन की कमी, बेड्स की कमी रही है। इसलिए हमें डेप्थ तक जाके वायरस को स्टडी करना जरूरी है, ना कि केवल हम सिर्फ आरटीपीसीआर टेस्ट करके आइसोलेट करके उसको ट्रीट करें। हमें कॉज तक जाना है वायरस के, किस प्रकार का वायरस है वो जानना बहुत जरूरी है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में आपने बहुत ज़रूरी जानकारी दी। डॉक्टर डीके गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर एक बार फिर से आपका स्वागत है, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी सर। जी डॉक्टर, आप हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं इस नए वेरिएंट के बारे में? देखिए, 3-4 पहलुओं जो हमें समझने की जरूरत है इसके बारे में ओमिक्रॉन। पहली बात तो जिसमें जो म्यूटेशन हुई हैं वो स्पाइक प्रोटीन्स में हुई हैं, और जितनी भी दुनिया में वैक्सीन बनी है मैक्सिमम वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन बेस्ड बनी हुई, जैसे हमारे यहाँ कोविशील्ड है या स्पुतनिक है, दोनों स्पाइक प्रोटीन से बनी है। तो मोस्ट प्रॉब्ली संभवता ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारी वैक्सीन है उसकी एफिकेसी कम हो जाए, मतलब उसकी जो कारगर क्षमता है वो कम हो जाए, या हो सकता है कि पूरी की पूरी कारगर ना रहे। तो हो सकता है हमें नई वैक्सीन लगानी पड़े या किसी दूसरी वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाना पड़े जो इस वेरियंट के खिलाफ कारगर हो, नंबर वन। नंबर टू, बिकॉज इसमें स्पाइक प्रोटीन है वो वायरस को चिपकने में और बॉडी के अंदर प्रवेश करने में हेल्प करता है, और जो रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन जिसमें दूसरी म्यूटेशन पाई गई हैं उसमें भी 10 म्यूटेशन पाई गई हैं, वो भी हेल्प करता है कि वायरस बॉडी की सेल्स के अंदर, कोशिकाओं के अंदर कैसे चिपकता है और कैसे अंदर जाता है। तो अगर वायरस को चिपकने में, अंदर जाने में भी आसानी हो जाती है, तो इट मीन्स वायरस तेजी से फैलेगा। अभी तक जो अनुमान लग रहा है कि 1.5 से 2 गुना तेजी से फैल सकता है। अगर अंदर तेजी से जाएगा तो अंदर इसका रेप्लिकेशन या ग्रोथ ज्यादा होगी, तो जो मरीज हैं उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन और डेथ की संभावना बढ़ सकती है। तो ये 2-3 पहलू हैं जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तीसरी बात, हम सब फ्लाइट को रोकने की बात करें, फ्लाइट रोकने से काम नहीं चलेगा, बिकॉज अभी दुनिया के कई सारे देशों में फैल चुका है। कल ये अभी हम बात करें 10-12 देशों में इसके केसेस आइसोलेट हो चुके हैं, जहाँ बेल्जियम हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड हो, यूके हो, हांगकांग हो, इसराइल हो, तो इतने सारे देशों में आ चुके हैं। तो खाली 2-3 देशों की या 5-10 देशों की फ्लाइट रोकने से काम नहीं चलेगा। हमें अपनी स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन पॉलिसी बनानी पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति अगर बाहर विदेश से आ रहा है तो उसको 14 दिन की कंपलसरी क्वारंटाइन में रखना चाहिए, उसका आरटीपीसीआर होना चाहिए, उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग होनी चाहिए। अगर वो सब नेगेटिव है उसके बाद ही अलाउ करें कि वो हमारे देश के अंदर प्रवेश करे। अदरवाइज क्या होगा, जैसे डेल्टा में हुआ, अभी तो बड़ा स्लो चल रहा है, अभी हमें लग रहा है हम लोग हनीमून पीरियड में चल रहे हैं, बिकॉज अभी केसेस बहुत कम है। जैसे ही केसेस बढ़ेंगे एकदम सर जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। तो हम लोगों को अपना इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। चौथी बात,
कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हम सबको पता है जो अभी तक की जो रिपोर्ट्स आ रही है, जो एविडेंस बेस्ड डाटा आ रहा है, उससे पता लग रहा है कि डेढ़ से दो गुना ज्यादा घातक हो सकता है, चाहे बीमारी फैलाने में या हमारी वैक्सीन की एफिकेसी कम करने में। तो इसलिए हमें अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पे जोर देना चाहिए। हमें अपने पैरामेडिकल स्टाफ है उसको वेंटिलेटर की ट्रेनिंग है, ऑक्सीजन की ट्रेनिंग है, क्रिटिकल केयर पेशेंट को कैसे देखभाल करते हैं उसकी ट्रेनिंग है, इक्विपमेंट अरेंज करने चाहिए, नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाने चाहिए, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ानी चाहिए, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। नंबर पांच, हम लोगों को पता है कि बिकॉज ये कोविड वेरिएंट नया आ रहा है और ऐसी म्यूटेशन बार बार होती रहेगी, तो जो बड़े देश हैं, G20 देश हैं, WHO जैसी संस्था है या यूनिसेफ जैसी संस्था है, इन सब संस्थाओं को ग्लोबल पेंडेमिक को रोकने में काम करना चाहिए। बिकॉज जो गरीब देश है उनमें वैक्सीन कवरेज तो है ही नहीं, साउथ अफ्रीका में 24 कवरेज था वैक्सीन का कवरेज। तो अगर कहीं भी देश में अगर ये रेप्लिकेट होता रहा, म्यूटेशन होता रहा, अगर हमने चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ग्लोबली ब्रेक नहीं किया, तो म्यूटेशन होने की संभावना चांसेस रहेंगे और ऐसे पेंडेमिक का खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। तो इसके बहुत ध्यान देने की जरूरत है। पांचवी बात, सारे स्टेट्स हैं जितनी छठी, ये सब स्टेट्स को, सब राज्यों को चाहिए कि वो टेस्टिंग पे, सर्वेलेंस पे फोकस बढ़ा दें और जनरल पॉपुलेशन और सैंपल्स बढ़ा दें, जिसमें जीनोमिक सैंपलिंग करना शुरू कर दें, कि उससे हमें पता लगेगा कि भाई हमारे अंदर कहीं वायरस हमारे देश में, हमारे प्रदेश में या हमारे जिले में कहीं से आ तो नहीं गया। तो जितनी जल्दी हम अर्ली डायग्नोसिस कर लेंगे, अर्ली ट्रीटमेंट कर लेंगे, तो उससे एक तो जिसको इन्फेक्शन हुआ उसकी जान बच जाती है, तीसरी बात हम तैयारी अपनी अच्छी और कर लेते हैं या मजबूत हो जाते हैं कि हाँ हमारे यहाँ वायरस आ गया, तो हमें और कठोर कदम उठाने की जरूरत है। तो अगर इन सब पांच छह बातों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं हम पिछली बार की तरह रह जाएं कि नहीं, बाहर दुनिया में यूके में उस टाइम पता है आपको थर्ड वेव चल रही थी और उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ, तो वहां डेल्टा कोहराम मचा था, तो हमें लग रहा था कि जैसे कि हमारे यहाँ शायद वैक्सीन वो इन्फेक्शन नहीं आएगा और हम लोग खुशी से घूम रहे थे, लॉकडाउन खत्म हो गया था, लोग बिल्कुल बिल्कुल। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर डॉक्टर रखे हैं और आपने जो सबसे अहम बात एक वैक्सीन को लेकर कही, क्योंकि ये सवाल सबके मन में उठ रहा था कि फुली वैक्सीनेटेड लोग भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, अब ऐसे में ये नया वेरिएंट आ गया है, इस पर ये वैक्सीन काम करेगी या नहीं, क्या अब नई वैक्सीन लानी पड़ेगी सिर्फ ओमिक्रॉन वेरिएंट को मद्देनजर रखते हुए। एक बार फिर से डॉक्टर आकार आपके पास आते हुए, जैसे कि डॉक्टर डीके गुप्ता भी कह रहे थे कि कोरोना तो अब दुनिया में आ चुका है और वायरस का ये नेचर ही होता है कि वो म्यूटेट करेगा, जैसे कि हमने देखा पहले अल्फा, बीटा, गामा, हमारे पास अब नया वेरिएंट आ गया है, ऐसे तो हो सकता है कि आगे चल के एक नया वेरिएंट सामने आ जाए, इससे में ये खतरा तो लगातार बना ही रहेगा। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहली चीज कहना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। जो हमारे पास चीज है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वो है मास्क पहनना, दो गज की जरूरी दूरी, और हमें क्राउडेड जगहों को अवॉइड करना है, ऐसी जगहों पे जाने को हमें अवॉइड करना चाहिए जहां पे क्राउड हो। जब हम अपने आप को सेल्फ डिफेंस बना सकते हैं तो 98% चांस है कि हम इस कोविड जैसी बीमारी से खुद ही बचा सकते हैं अपने आप को, चाहे कोई भी वेरिएंट आए। दूसरी चीज, ट्रैवल बैन लगाना इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन, क्योंकि वायरसेस आते रहेंगे, म्यूटेशन उनकी होती रहेगी, हम हर दफा ट्रैवल बैन लगा के इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। इसीलिए हमें, जैसे सर ने बिल्कुल करेक्टली बोला है, टेस्टिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग, स्क्रूटिनी और सर्वेलेंस, बिल्कुल क्लस्टर्स में काम करके, फोकस करके हमें आगे बढ़ना है। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा क्वेश्चन आजकल निकल के आ रहा है कि क्या वैक्सीन का असर रहेगा या नहीं। अभी तक हमारे पास इतना डेटा नहीं अवेलेबल है कि इस न्यू म्यूटेंट का एस्केप मैकेनिज्म क्या है वैक्सीन से, बट जो देखा जा रहा है कि जिस स्पाइक प्रोटीन पे ये इफेक्ट कर रहा है, 32 स्पाइक प्रोटीन पे इफेक्ट कर रहा है, वो सेम लगभग सेम जगह पे इफेक्ट कर रहा है वायरस के, तो काफी चांस है कि वायरस इफेक्टिव होगा, बट कई लोग कह रहे हैं कि 20-30% कम हो जाएगी उसकी एफिकेसी। बट हमें देखना है ये कि वैक्सीनेशन हमेशा हेल्प करता है कि घातक से घातक इलनेस, सीरियस इलनेसेस और डेथ से प्रिवेंट करता है। इसीलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन इज द ओनली वे फॉरवर्ड, वही तरीका है हमारे पास आगे जाने के लिए। हमें मेक श्योर करना है कि डबल वैक्सीनेटेड हो सारे एडल्ट्स, सरकार भी क्लोजली मॉनिटर कर रही है और आजकल बच्चों में भी वैक्सीनेशन लगाने की बिल्कुल बात चल रही है, और यानी कि आने वाले दिनों में शुरू भी होने वाली है ये चीज। एक चीज जो सरकार कर सकती है इसमें, कि जैसे जो भी पब्लिक एरियाज हैं, जैसे कि मॉल्स हो गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गए,
यहाँ पे हम सेकेंड वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी कर सकते हैं। इस चीज से ज्यादा लोग आगे आके डबली वैक्सीनेटेड होंगे। हमें वैक्सीनेशन पे कड़ी से कड़ी फोकस रखना चाहिए। सरकार ने एक नई चीज शुरू की है अभी, जैसे कि हर घर 10 तक, जो कि बहुत ही अच्छा एक सरकार की शुरुआत की हुई एक स्ट्रेटजी है कि घर घर में जाके हेल्थ केयर वर्कर्स एक एक एडल्ट्स को वैक्सीनेट करेंगे। बहुत ही जो रूरल एरियाज है वहां पे कई तरीके के लोगों के मानसिक एक बना हुआ है कि वैक्सीन नहीं लगानी। उन लोगों के हमें लोकल लीडर्स को लेके, जो भी पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट्स है, उनके इन्वॉल्वमेंट साथ लेके, वीडियोस से, उनको प्रेजेंटेशन से उनको मजबूर करना चाहिए, उनको कन्विंस करना चाहिए हमें कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है हमें आगे बढ़ के इस कोविड की फाइट में। जी, एक बार फिर से डॉक्टर डीके गुप्ता आपके पास आते हुए, एक आम लोगों के दिमाग में आप ये कह लीजिए कि कहीं ना कहीं अब लोगों को आदत हो गई है कि कोविड है, और खासकर अगर वो वैक्सीनेटेड है तो उनका जो मन का डर है वो कम हो चुका है। लेकिन आपने एक बात तो साफ कर दी कि ये जो नया वेरिएंट आया है ये एक बड़ा खतरा अभी भी बना हुआ है। आप ये समझाइए, आम लोगों को ये समझाइए कि कोविड अब हमारे बीच में रहेगा ही, ऐसे में अब इसे हम हल्के में भी नहीं ले सकते और कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। और क्या ऐसी चीज़ों का खास ख्याल लोग रख सकते हैं कि अपने आप को, अपने परिवार को कोरोना से वो बचा रखें? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि हम सबको पता है कि हमें अब न्यू नॉर्मल लाइफ जीनी है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कैप CAP एक ऐसी कैप है जो आपको बाकी चीज़ों से बचाती है, ना कि कोविड से। तो कोविड के अलावा बाकी जैसे इन्फेक्शन है, चाहे निमोनिया है, इन्फ्लुएंजा है, ट्यूबोक्लोसिस है, या हाथ धोने से आपको टाइफॉइड है, जॉन्डिस है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, डायरिया है, इन सब बीमारियों से भी आपको बचत होती है। तो अगर आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हैं, मतलब इस सोशल वैक्सीन का पालन करते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग कोविड भी, कोविड के अलावा जो भी ड्रॉपलेट से और जो बीमारियां फैलती हैं उनसे बचे रह सकते हैं। दूसरी बात, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, अवॉइड करें। जो कोमोविड पेशेंट हैं, जो हेल्दी लाइक जो एल्डरली पेशेंट्स हैं, उनको और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसमें डायबिटीज के पेशेंट, हाइपरटेंशन के हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, अस्थमा के हैं, HIV के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, तो इन लोगों को और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। बच्चे जो अभी तक प्रोटेक्टेड नहीं है, मैं फिर बात कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, सरकार इसमें डिले कर रही है, वैक्सीन अभी तक नहीं आया मार्केट में, जबकि वैक्सीन को अप्रूवल 2 महीने पहले मिल चुका है। तो बच्चों को वैक्सीनेशन की तुरंत अवेलेबिलिटी करनी चाहिए, बच्चों का वैक्सीन तुरंत लगवाना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्पेशल चाइल्ड्स हैं, जो हाई रिस्क हैं, जो डायबिटीज बच्चे हैं, जिनको डायलिसिस हो रही है, जिनको एनीमिया है, थैलेसीमिया है, जिनको अस्थमा है, जिनको कंजनेटल हार्ट प्रॉब्लम्स है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कोमॉर्बिड है, पहले उनको वैक्सीन लगना चाहिए। उसके अलावा दूसरे बड़े बच्चे भी जो 10 साल से ऊपर है, जिनमें ओबेसिटी है, मोटापा है, वो भी हाई रिस्क बच्चे हैं, तो इन सबको हमें प्रायोरिटी पे वैक्सीन लगवाना चाहिए। इसके अलावा बच्चों को दूसरे वैक्सीन, रूटीन इम्यूनाइजेशन जो डिले हो गया था कोविड की वजह से, वो भी अपने पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि सारे बच्चों को स्वाइन फ्लू, निमोनिया या दूसरे जो अन्य वैक्सीन है उनको तुरंत लगवाएं। कहीं ना कहीं ये वैक्सीन भी क्रॉस इम्यूनिटी देते हैं, हमने देखा है। चौथी बात, हम सबको अपनी इम्यूनिटी इम्प्रूव करनी चाहिए। पता लग गया है जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता थी अच्छी थी वो जीत गया, जो कमजोर थे इम्यूनिटी वाइज उनकी डेथ हो गई, या उनको सीवियर कॉम्प्लिकेशन हुए, या उनको ICU में रहना पड़ा, या उनको हॉस्पिटलाइजेशन स्टे बहुत बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है। हमें अच्छे खाने पे खान पीन पर ध्यान देने की जरूरत है कि हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, अच्छा फ्रूट्स लें, नींद पूरी करें, अच्छे एंटीऑक्सीडेंट, तो ये सब चीजें ध्यान रखेंगे तो हम सच में बचे रहेंगे। यानी हमें अपनी ओवरऑल हेल्थ पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है, इम्यूनिटी पर काम करने की बहुत जरूरत है। डॉक्टर आकार, जब कोरोना काल की शुरुआत हुई थी, जब पहली बार कोरोना के बारे में लोगों ने जाना कि इस तरह की कोई बीमारी अब आ चुकी है, और उस वक्त जब लोग संक्रमित होते थे तो हम जो सिम्टम्स देखते थे, जैसे फीवर होता था, गला खराब, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, इस तरह के सिम्टम्स होते थे, और कुछ लोग एसिम्टोमेटिक भी होते थे। धीरे धीरे जब हमारे पास जब और वेरियंट्स इसके आने लगे, तो ये जो लगातार वायरस स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, और अब उसके बाद ये नया वेरिएंट आ गया है, हम देख रहे हैं कि वायरस लगातार स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, इससे तो जो खतरा है वो लग रहा है कि कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इसके बारे में आप व्यूअर्स को क्या बता सकते हैं, क्योंकि कोरोना अगर इसी तरह से फैलता रहा, और जैसे कि सर ने अभी हमें कुछ प्रिकॉशंस बताए, आपका भी इस पर कॉमेंट चाहूंगी सर। जी, वायरस के म्यूटेशंस तो हमेशा चलते रहेंगे। एक कारण कि इतना म्यूटेशन क्यों हो रहा है इज द
जिस धीरे तरीके से हम वैक्सीनेशन रोल आउट कर रहे हैं, हमें वैक्सीनेशन रोल आउट एक बहुत ही फास्ट स्पीड पे करना है कि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन, ना कि इस देश में, पूरे दुनिया में फास्ट स्पीड से वैक्सीनेशन ड्राइव कवर हो। ये स्लो स्पीड की वजह से म्यूटेशन, हम वायरस को मौका देते हैं कि वो बार बार म्यूटेट हो और इस तरीके से बार बार फैले। बाकी कोविड हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोविड यहीं रहने वाली चीज है और हमें अपने आप को चेंज करना है, अपना बिहेवियर चेंज करना है। हमें 2 गज की दूरी और मास्क पहनना बहुत आवश्यक है। इससे हमें कोई भी वेरिएंट आए, कोई भी घातक से घातक वेरिएंट आए या कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, उससे हमें बचाव होगा। तो हमें अपने सेल्फ डिफेंस को बिल्कुल स्ट्रांग करना है। इस चीज की अवेयरनेस हमें एक एक इंसान तक पहुंचानी है हमें, और साथ साथ परपेंडिकुलर हमें वैक्सीनेशन ड्राइव को एक बिल्कुल स्पीड से कवर करना है, घर घर जाके। इवन एक एक बच्चों में भी, जैसे सर ने बिल्कुल करेक्टली इस बात को हाईलाइट किया है कि बहुत सारे बच्चे डिबिलिटेटेड हैं, जिनको बहुत जरूरत है, जो घातक से घातक बीमारियों को फेस कर रहे हैं, उनको हमें जल्द से जल्द कवर करना है वैक्सीन ड्राइव में। और हमें साथ में अपनी मानसिक स्थिति को भी बिल्कुल करेक्ट मेंटेन करना है। जो लोग कोविड से जूझ भी रहे हैं, उनको कई सारे लक्षण हो रहे हैं, जैसे कि एंग्जाइटी, नींद नहीं आना, तो उनको भी, उनका भी मानसिक स्थिति ठीक उनको रखना है और अच्छी अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन रख के अपना स्वास्थ्य बढ़ाना है उनको भी। जी, और जैसे कि डॉक्टर डीके गुप्ता, आप हमें लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से ओवरऑल हेल्थ पर काम करने की हमें ज़रूरत है। जब दूसरी लहर आई थी तो हमने देखा कि डेथ रेट बहुत बढ़ गया। जो वेरिएंट था, डेल्टा वेरिएंट, वो इतना घातक था कि अगर वो कोई शख्स संक्रमित हुआ तो हॉस्पिटलाइज होने का भी जो खतरा था, वो भी हमने बढ़ते हुए देखा। अब क्या एक तीसरी लहर का डर भी हमारे ऊपर मंडरा रहा है? क्या आपको लग रहा है कि अगर रोकथाम नहीं हुई तो तीसरी लहर भी आ सकती है? वो भयानक मंजर जो हम आज तक नहीं भूले हैं दूसरी लहर का, क्या वो हमें दोबारा देखना पड़ सकता है? सर, बिल्कुल, हम लोग पहले भी ये उम्मीद में थे कि हो सकता है तीसरी लहर आए, बट अभी तक भगवान की मेहरबानी समझ लीजिए, या वैक्सीनेशन का कवरेज अच्छा समझ लीजिए, या लोगों ने कोविड वेयर का पालन अच्छे से किया, या हार्ड इम्यूनिटी अच्छे से डेवलप हो गई थी, बिकॉज बहुत सारा नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका था, कई सारे फैक्टर्स थे जिससे थर्ड वेव डिलेड हो रही थी या नहीं आने की उम्मीद हो रही थी अब, कि अब शायद हो सकता ना आए। बट अगर कोई नया वेरियंट आ गया, उसके अंदर हमारे पास इम्यूनिटी नहीं है, हमारी जनरल पॉपुलेशन में अगर वो इम्यूनिटी नहीं है, या तो नेचुरल इन्फेक्शन के थ्रू या वैक्सीनेशन के थ्रू, तो हम लोग सारी पॉपुलेशन ससेप्टेबल पॉपुलेशन हो जाती है, हाई रिस्क पॉपुलेशन होती है। इसका मतलब है कि 135 करोड़ की जनता फिर दोबारा वल्नरेबल पॉपुलेशन हो गई है, कि अगर कैसे बाहर से वायरस आया, अगर वायरस ने फैलना शुरू किया, तो सब लोग चपेट में आ सकते हैं। और हम सबके देश में जो प्रॉब्लम है, एक सबसे बड़ी है कि हमारा जनसंख्या घनत्व जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो बहुत ज्यादा है। 135 करोड़ की आबादी है, बहुत लोग क्लोज उसमें क्लस्टर्स में रहते हैं, बहुत सारे लोग क्लोज उसमें गांव में या शहरों में ऐसी सोसाइटीज हैं या जो झुग्गी झोपड़ी जाए, कि अगर एक लोगों को फैला तो पूरी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत जल्दी होता है। तो सेकेंड वेव में जो हम लोगों ने देखा था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट था, मतलब समुदाय का इन्वॉल्वमेंट था, घर घर में लोगों को कोविड हो चुका था, तो घर के अंदर कोविड फैल गया था। तो अगर ऐसी स्थिति आई तो डेफिनेटली हम सबके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। तो इसलिए हमें सबको प्रिकॉशंस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, खास करके जो सोशल वैक्सीन है हमारा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वाला, उसका पालन करने की बहुत जरूरत है। बाहर ना निकले, अगर जरूरत हो तभी निकले, और जब जाते हैं बाहर तो डबल मास्क लगा के जाएं, हैंड्स अपने हाथ को बार बार धोएं, नाक मुंह को ना छुएं बार बार, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बचें। और सरकार को चाहिए जितने भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं, इनको जमीनी लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे अच्छे से इंप्लीमेंट करवाए, अच्छे से ग्राउंड पे सख्ती से कार्रवाई करें जो लोग इसके अगेंस्ट हैं। और जो पब्लिक गैदरिंग दोबारा स्टार्ट हो गई थी बहुत सारी, उन पब्लिक गैदरिंग को टाइम बीइंग के लिए हेल्ड करना चाहिए, जैसे ही दोबारा होगी तो हम उसको दोबारा खोल सकते हैं। बिल्कुल, और डॉक्टर जी, हम सबको याद है कि जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद ही जो गति थी उसको थोड़ा सा धीमा कर पाए थे, क्योंकि लगातार जो वायरस था वो बहुत तेज़ी से फैल रहा था और पॉपुलेशन हमारा एक बहुत बड़ा कंसर्न तो है। डॉक्टर आकार, आपके पास आते हुए, अगर टेस्टिंग की बात की जाए, क्योंकि टेस्टिंग पर भी आप दोनों लगातार जोर दे रहे हैं, RT-PCR टेस्ट तो है ही, क्या रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट भी इस वेरियंट के लिए ज़रूरी हो जाता है?
जी, रैपिड एंटीजन टेस्ट इज अ वेरी बहुत यूजफुल टेस्ट है, एक क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव भी है और बहुत ही ज्यादा कागार में किया जा रहा है। हालांकि इसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो कम है आरटीपीसीआर के मुकाबले में, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आरटीपीसीआर टेस्ट ही केवल होना चाहिए है, अगर हमें इसको जल्दी पकड़ना है और ज्यादा से ज्यादा करेक्ट पॉजिटिव हमें डायग्नोस करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आते हैं और आरटीपीसीआर केवल इस बीमारी को पकड़ता है। अगर हम शुरुआत से ही रैपिड एंटीजन की तरफ हमारा ध्यान ज्यादा रहेगा तो हम बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव केसेस को मिस कर देंगे हम। इसीलिए हमें रैपिड एंटीजन टेस्ट के साथ साथ आरटीपीसीआर दोनों को साथ लेके चलना है और मास टेस्टिंग करनी है। जैसे बीच में देखा गया था कि सरकार घर घर में जाके, लोकैलिटीज में जाके, इवन जहाँ पे कई सारे दुकानदार हैं, क्लस्टर्स हैं, वहां जाके टेस्टिंग की थी सरकार ने, अभी भी चल रही है। इसी को हमें बरतना है और इसको स्केल अप करना है हमें, इसी टेस्टिंग को। खास दौर से हमें इंटरनेशनल देशों से आने वाले यात्रियों पे फोकस रखना है। उनको हमने, जैसे अभी हाल फिलहाल में सरकार ने मेजर लिया है कि हाई रिस्क कंट्रीज को डिफाइन किया है उनने, वहां से आने वाले लोगों में उनका आने के बाद भी आरटीपीसीआर टेस्ट होगा एंड जो जो पॉजिटिव आएंगे उनकी जीनोम सीक्वेंसेस के लिए भी उनके सैंपल्स भेजे जाएंगे। तो इंटरनेशनल यात्रियों को लेके खासकर, और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी लेनी बहुत जरूरी है। जो जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री, किन किन से मिले हैं, किन किन देशों से वो आए हैं लौट के, ये देखना बहुत ही गौर करने वाली चीज है। बात कर रहे हैं या जो जो पॉइंट्स आपने हमारे सामने रखे, डॉक्टर डीके गुप्ता, शायद आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात भी रखिएगा और साथ ही आपसे एक लास्ट कमेंट चाहूंगी बूस्टर डोज के बारे में भी। क्या बूस्टर डोज आज के वक्त की एक बड़ी जरूरत है? बिल्कुल, तो पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा, मेरा कमेंट ये है कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है, रैट जिसको बोलते हैं हम लोग, वो स्क्रीनिंग के लिए बहुत अच्छा है। डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए पहले भी हम लोग आरटीपीसीआर टेस्ट ही करा देते हैं, उसी को करना चाहिए। दूसरी बात, जो नया जो ओमिक्रॉन वेरियंट आया, इसको हम एंटीजन टेस्ट से कन्फर्म नहीं कर सकते, तो आप स्क्रीन टेस्ट करके कि पेशेंट जो मरीज है कोविड से ग्रसित है या नहीं है। बट अगर आपको पता करना है कि कौन सा कोविड है, कि डेल्टा वेरियंट है या ओमिक्रॉन है, तो आपको आरटीपीसीआर ही करना पड़ेगा और जीनोम सीक्वेंसिंग उसके बाद करानी पड़ेगी, तभी करना। तीन टेस्ट की जरूरत है, पहला टेस्ट आपका रेड टेस्ट है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, दूसरा आरटीपीसीआर, तीसरा आपको जीनोम सीक्वेंसिंग। इस समय हम लोग बहुत बड़े मतलब क्रूशियल पॉइंट्स में हैं, अगर ये वायरस कहीं से अंदर घुस गया और मल्टीप्लाई करने लग गया तो हमारे लिए सबसे दिक्कत खड़ी कर सकता है। तो इस समय हमें तीनों टेस्ट जोर देना चाहिए, खासकर के हमारे पास 10 रेफरल लेबोरेटरी हैं जहाँ पे हम लोग जीनोम सैंपलिंग करते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, तो वहाँ उन टेस्ट लेबोरेटरीज का हमें सदुपयोग करना चाहिए। तो दूसरा सवाल आपने पूछा, आप रिपीट करेंगे प्लीज? बस सर, आपका बूस्टर डोज को लेकर एक आखिरी कमेंट मैं चाह रही थी कि क्या आपको लगता है इट्स द नीड ऑफ द आवर, बूस्टर डोज अब अनिवार्य हो गया है, होना चाहिए? और बहुत सारे देशों में ऑलरेडी बूस्टर डोज स्टार्ट कर दी गई है, खास करके जो हाई रिस्क लोग हैं, हाई रिस्क जिसमें डॉक्टर्स आते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ आता है, फ्रंटलाइन वर्कर्स आते हैं, कोमोर्बिड पेशेंट्स आते हैं जिनको डिफरेंट बीमारियां हैं, तो पहले उनको लगनी चाहिए। और बूस्टर डोज को हमें कोशिश करना चाहिए कि हम स्पाइक प्रोटीन बेस्ड बूस्टर डोज ना लगाएं, मतलब ऐसी वैक्सीन लगवाएं जिसमें होलसेल किल्ड वैक्सीन हो, जिसमें सारा वायरस हो, उससे फायदा होगा कि अगर छोटा मोटा म्यूटेशन होता भी है तो भी वो वैक्सीन इफेक्टिव रहेगी। अगर हम स्पाइक प्रोटीन बेस्ड बूस्टर डोज लगाएंगे तो मे भी वो वैक्सीन इनइफेक्टिव हो जाए, तो हमें बूस्टर डोज पे फोकस करना चाहिए। बूस्टर डोज का मतलब लाइक अनाउंसमेंट करना चाहिए सरकार को, कौन से कैटेगरी को लगनी चाहिए, वो जैसे हमने पहले किया था उस कैटेगरी वाइज हमें स्टार्ट करना चाहिए, और कौन सी वैक्सीन हम देंगे, टाइप ऑफ वैक्सीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी स्टार्ट करना चाहिए। और साथ में मेरे जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको तैयारी करनी चाहिए कि अगर ओमिक्रॉन के लिए हमें नई वैक्सीन बनानी चाहे तो उसका प्रोसेस डेवलपमेंट, वायरस को आइसोलेट कैसे करना है, वायरस को ग्रो कैसे करना है, वो सारी तैयारियां करनी चाहिए। सप्लाई चेन लॉजिस्टिक का सब कुछ ध्यान रखना चाहिए, जैसे फ्लू वायरस में होता है, क्या फ्लू वैक्सीन जो आती है स्वाइन फ्लू की, वो हर साल नई वैक्सीन आती है, वो जनवरी से लेकर मई तक नया डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं पूरी दुनिया में, जो नया स्ट्रेन होता है उसकी वैक्सीन डेवलप होती है और जून जुलाई तक पूरी दुनिया में वैक्सीन फैल जाती है, पहुंच जाती है और वो लगना शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें यही सेम स्ट्रेटजी इसके लिए भी रखनी पड़ेगी के लिए भी।
बिल्कुल, और मोस्ट ट्रबलिंग कैटेगरी ऑफ कोविड 19 वेरिएंट्स WHO इसे घोषित कर चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ हमारे व्यूअर्स के लिए साझा की है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी बातें सुनने के बाद लोग ज़रूर अपना ख्याल रखेंगे और जो जो आपने हिदायत दी हैं उनको ज़रूर फॉलो करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आज के एजेंडा में हमने बात करी ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में, जो कि यकीनन खतरनाक है, और एक्सपर्ट्स की बात सुनकर आप समझ गए होंगे कि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और डेल्टा वेरिएंट जिसने हम सबको दहशत में डाल दिया था उससे भी कई गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और उससे कई ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए जो भी प्रिकॉशंस दोनों डॉक्टर्स ने, दोनों एक्सपर्ट्स ने आपको बताया है, उनका ज़रूर पालन कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, और एक बार फिर से आपसे कल मुलाकात होगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त। We'll be right back.